आ बाबू बाबू ये देखो वीडियो वीडियो बना लो जाओ जाओ भी जाओ देख लो नहीं भाभी घूंघटा उठाइए ये है विक्रम की दुल्हन मिलिए कोई है क्या नहीं तो ये है नई नवेली दुल्हन विक्रम जी की आ चुकी है और थोड़ा सा घूंघट किए रहिए हाँ तो मैं अभी आप लोगों से मिलवाने जा रही हूँ इनको अरे पूरा दिखा देगी तो मैं कैसे दिखाऊंगी हाँ तो आप लोगों को दुल्हन देखनी है चलिए भाभी हाथ तुम लगाया तो कैमरा तो तुम बोलो दुल्हन हो गए विक्रम की दुल्हन मुझे विक्रम की दुल्हन ये है क्योंकि घूंघटा आपका है ना दिखा तो दीजिए थोड़ा सा ऐसे दिखा दीजिए नहीं मिलवाए नहीं मिलेंगे सब बोलेंगे कि बताओ दुल्हन नहीं दिखाए बारात में गए भाभी भाभी गए चलो चलो ये देखो ये पिक्चर देखो दिख रहा चाचा कहाँ का चलता चाचा कहाँ है ये चाचा के देखो मुंह मुंडे हैं जाए का बंदा दिखा रहा बाबू का जाओ दूर से देख के आओ जाओ चिज्जी दिलाओ जाओ जाओ चिज्जी दिलाना जाओ चिज्जी खाया पिक्चर लगाओ भी अच्छा कहाँ जा चलो आप चले अच्छा बाहर चलो चल रहे रुक जाओ चल रहे उठो लग गया बाबू हाथ पैर में जो और अब यहाँ पे दूल्हे जी तैयार हो रहे हैं अपने शादी में जाने के लिए जाहिर सी बात है तैयार तो होना बनते ही बनता है तो ये हैं बड़ी वाली भाभी मेरी जेठानी जिनको मैं बार बार आप लोगों को बता चुकी हूँ और ये मेरी नंद जी हैं जो दोनों लोग मिलकर इनको रेडी कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से रेडी उनकी शेरवानी है जो पहना रही हैं कंचन यानी मेरी नंद तो ब्रॉस नहीं लग रहा था तो मनोज लगा रहे थे और इनकी शेरवानी काफ़ी खूबसूरत है ना मुझे भी पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी और पीछे जो रूम है उसमें सब रेडी हो रहे हैं मैं तो रेडी हो चुकी थी बहुत पहले पीछे वर्षा है और कॉफ़ी पीते पीते मैं एडिटिंग कर रही हूँ और ये देखिए कुछ इस तरीके से रेडी हो गए हैं और जो रस्म होती है जो बुआ काजल लगाती है हमारे यहाँ सबके यहाँ लगाती होंगी तो वो बुआ काजल लगा रही हैं ये देखिए मतलब कंचन ने लगा दिया था बस बुआ हाथ से छू रही हैं रस्म पूरी करने के लिए ताकि काजल इधर उधर फैले ना इस वजह से कंचन ने लगा दिया था और अब भाभी भी काजल लगवा रही हैं और अब यहाँ पर थोड़ा सा डांस हो रहा है जो बीन वाला डांस होता है वो डांस हो रहा है सभी लोग डांस करेंगे एंजॉय कीजिए और देखिए बताइए बीन वाला डांस आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो चलिए वॉइस ओवर अब मैं नहीं करूँगी जहाँ मुझे लगेगा वहाँ पर मैं करूँगी अभी आप डांस देखिए एंजॉय कीजिए
जो रेड साड़ी पहनी हुई है ये है अंजू यानी मेरी देवरानी, जिन्होंने कमर में पहन रखा है, तो ये भी डांस कर रही हैं। आप इंजॉय करिए, मुझे इस पर नहीं आता फिर भी मैं कोशिश करती हूँ करने की। और ये है जेठानी देवरानी यानी कि डांस कर रही है। अब दूल्हे जी की बारी आ गई थी, दूल्हे जी ने भी खूब इंजॉय किया, डांस किया, हम सब डांस कर रहे हैं और आप लोग भी इंजॉय कीजिए। गाना बहुत समझने की कोशिश करती हूँ, जब ही कर पाती हूँ और उतना नहीं बनता है। कुछ लोगों का समझ में आ जाता है, बट इनका बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था मुझे धुन से, तो मुझे नहीं समझ में आया इसलिए मैं रुक गई थी। क्या करती, सब समझ में ही नहीं आ रहा था, फिर भी कोशिश की मैंने करने की। तो यहाँ पे वो जो रस्में होती है, दूल्हा जब विदा होता है घर से करते हैं सारी चीज़ें, तो वो हो रही हैं, टीका वगैरह लग रहा, तिलक लग रहा है और जो निछावर करते हैं वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब मैं सीधा बारात में मिलूंगी आप लोगों से, क्योंकि यहाँ की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और वहाँ पे भी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बारात का आधा हिस्सा आपको दूसरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा, डांस थोड़ा सा दिखा दूंगी आप लोगों को, तो चलिए इंजॉय कीजिए। गाइस यहाँ पर देखिए खूब सारा हम लोग डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और अभी पूरा डांस बाकी है, तो थोड़े अगले ब्लॉग में भी आप क्या यार अगले ब्लॉग में भी मैं आप लोगों के साथ डांस शेयर करूँगी। और आधा जो डांस के बाद जो सारी चीज़ें हुई हैं, जो हम वहाँ पर पहुँचे हैं, खाना पीना जो हमारा हुआ है, जो जयमाल हुआ है और दुल्हन की एंट्री, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेंगी। अगर मैं चाहती भी ना तो बहुत ज़्यादा कट भी करती तो भी मैं इसमें ऐड ना कर पाती, इसी वजह से बस ये सारी चीज़ें हुई हैं। और जो पीछे बैठे हुए हैं, जो चाट खा रही हैं भाभी है मेरी, जिठानी मौसिया सास की, और इनके पीछे यानी कंचन के हस्बैंड हैं मेरे, नंद के हस्बैंड, अभी आप इनसे नहीं मिले तो मैं चोरी से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए। और ये है कंचन, इनसे आप तो मिल ही चुके हैं। तो चलिए वीडियो का एंड यहीं करती हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, बहुत ही अच्छी है। ओके बाय।